अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आपके अपने चैनल प्योर देसी टिप्स में हम आपको खुशामदीद कहते हैं। मेरी तमाम दोस्तों से गुजारिश है, बराए मेहरबानी चैनल को सब्सक्राइब कर लें और नोटिफिकेशन को ऑन कर लें। दोस्तों, नफ्स की मोटाई के लिए एक ऐसा जबरदस्त नुस्खा लेकर आप लोगों की खिदमत में हाजिर हुआ हूँ। जिन अफराद के नफ्स जो है पेंसिल नुमा बिल्कुल पतले हो गए हैं, नफ्स मोटा नहीं है, नफ्स बिल्कुल पतला है, बेजान है, ढीला ढाला है, तो उनके लिए बहुत ही आला, बहुत ही जबरदस्त नुस्खा है। इस नुस्खे के इस्तेमाल से नफ्स बेपनाह मोटा होता है, अच्छा खासा मोटा तगड़ा नफ्स हो जाता है। ये एक ऐसा जबरदस्त नुस्खा है, कोई बहुत महंगा नुस्खा नहीं है, बनाना मुश्किल नहीं है, बनाने में भी आसान है, सस्ता भी है और बेहतरीन नुस्खा है जो आसानी से आप इस्तेमाल कर सकते हैं घर पे। इस नुस्खे को बनाने के लिए आपको सिर्फ और सिर्फ दो चीजों का इस्तेमाल करना होगा। आपने करना यह है कि खरातीन खुश्क ले लेनी है आपने बाजार से, 20 ग्राम खरातीन खुश्क, केचवे खुश्क जिसे कहते हैं, 20 ग्राम ले लें। उनको लाके घर पे आप बिल्कुल अच्छी तरह से उनका बारीक सफूफ बना लें, बिल्कुल बारीक मिसले मैदा आप उसका सफूफ बनाएं। उसके सफूफ में किसी किस्म की कोई रड़क नहीं होनी चाहिए, बिल्कुल बारीक मिसले मैदा उसका सफूफ बना के उसको किसी बंद डब्बी में डाल के महफूज करके रख लें। अब इसका तरीका इस्तेमाल ये है कि आपने रोजाना रात के टाइम थोड़ा सा दूध ले लें, ठीक है, 1 चम्मच 2 चम्मच दूध ले लें, उसको नीम गर्म करें और उसको लाके अब कमरे में या जहां आपने इजी हो बैठ जाएं, वहां पे पहले दूध से थोड़ी देर नफ्स पे मसाज करें। आप नफ्स पे दूध के साथ मसाज करें, ठीक है, पहले 5-1 मिनट दूध के साथ अच्छी तरह मसाज करें। उसके बाद 1 से 2 चुटकी खरातीन खुश्क का सफूफ जो आपने बनाया होगा वो नफ्स पे डालें और कम से कम 1/2 से 1.5 घंटा आप नफ्स पे हल्की हल्की उंगली की मदद से मालिश करें, ठीक है। इस तरीके से अगर आप ये नुस्खा इस्तेमाल कर लेते हैं तो 1 हफ्ते के अंदर आपके नफ्स में अच्छी खासी मोटाई आ जाती है। ऐसे अफराद जिनके नफ्स बहुत ज्यादा पतले हैं, ठीक है, उनके लिए बहुत ही आला, बहुत ही जबरदस्त, उनके लिए ये बहुत ही आला, बहुत ही जबरदस्त नुस्खा है। इस नुस्खे को बनाएं, इस्तेमाल करें। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, वीडियो को शेयर जरूर कर दिया करें ताकि दूसरे लोग भी इससे फायदा उठा सकें। मुझे अगली वीडियो तक के लिए इजाजत दें, अपनी सेहत का बहुत ख्याल रखें। शुक्रिया, अल्लाह हाफिज़।